ये है दुनिया का सबसे अमीर देश। यहाँ का एक एक नागरिक 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाता है। क्षेत्रफल के मामले में ये देश भारत के एक राज्य से भी छोटा है। ऐतिहासिक किलों के साथ साथ आज के जमाने की आधुनिक इमारतें इस देश की पहचान बन चुकी हैं। पूरे देश में कहीं भी जाने पर गंदगी या फिर कूड़ा कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पर आते हैं दुनिया के अरबपति लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने। लग्जरी कारें सड़कों की शान बढ़ाती हैं, जिन्हें यहाँ के लोग चुटकी बजा के खरीद सकते हैं। इस देश में काम करना और ढेर सारा पैसा कमाना बहुत से लोगों का सपना है, लेकिन यहाँ केवल उसे ही नौकरी दी जाती है जिसे फ्रेंच भाषा आती हो। अगर कोई एक ड्राइवर की नौकरी भी यहाँ पर करना चाहता है या फिर किसी होटल में भी काम करना चाहता है तो उसे जरूरी है कि फ्रेंच भाषा की जानकारी हो। यहाँ पर लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, फिर भी यहाँ की सरकार बस का किराया नहीं लेती, ट्रैम का किराया नहीं लेती। इंटरनेट और वाईफाई पूरे देश में फैला हुआ है जो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला देश है लग्जमबर्ग। पिछली वीडियो पर कमेंट और सपोर्ट करने के लिए गुप्तेश्वर जी का दिल्ली से, इरशाद का प्रयागराज से, दिनकर बांगर का महाराष्ट्र से, रियाज का राधनपुर से, डॉक्टर पप्पू का जौनपुर से और तुकाराम जी ने अपने शहर का नाम नहीं लिखा, इन सभी दोस्तों को हमारा दिल से धन्यवाद। आज का वीडियो कहां कहां तक जाता है, आप इसे किस गांव या शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ लोगों का नाम जरूर लेंगे। लग्जमबर्ग एक बहुत ही छोटा सा देश है जो कि पश्चिमी यूरोप में मौजूद है। भारत का सबसे छोटा राज्य यानी कि गोवा जितना बड़ा है उससे भी छोटा है ये देश। लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल केवल 2586 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया में 27वां छोटा देश बनता है। लेकिन पूरे यूरोप में यहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत मानी जाती है। ये देश अपना बॉर्डर उत्तर और पश्चिम की दिशा में बेल्जियम के साथ, पूर्व में जर्मनी के साथ और दक्षिण में फ्रांस जैसे देश के साथ शेयर करता है। क्योंकि लग्जमबर्ग के चारों तरफ कोई ना कोई देश है और एक भी सीमा समंदर को छूती नहीं है, इस वजह से ये एक लैंडलॉक कंट्री बनती है। देश की आबादी आज लगभग 6,70,000 के आसपास है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर ही है। जो 6,70,000 की यहाँ की आबादी है उनमें से लगभग 3 लाख लोग तो लग्जमबर्ग देश के नागरिक हैं ही नहीं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर दूसरे देशों से काम करने आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तनख्वाह बहुत ही ज्यादा मिलती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी यही देश देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लग्जमबर्ग में औसतन एक व्यक्ति एक साल में 1,25,00,000 रुपए तक कमा लेता है। अगर इसे हर महीने की सैलरी में बदला जाए तो हर व्यक्ति की एक महीने की सैलरी 10 लाख रुपए से भी ज्यादा बनती है। इसीलिए यहाँ काम करने दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आते हैं, फिर चाहे वो बैंकिंग सिस्टम में आए या फिर ड्राइविंग में, घर बनाने वाले मिस्त्रियों में या फिर खेती करने के काम में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा वेतन मिलता है तो वो लग्जमबर्ग देश ही है। तभी तो इस देश में मूल निवासियों से ज्यादा विदेशियों की संख्या है। यहाँ पर काम करने के लिए जरूरी है कि आप अपने काम में माहिर हों और आपको फ्रेंच भाषा की अच्छी जानकारी और समझ हो। हालांकि देश में लग्जमबर्गीज भाषा बोलने वाले लोग भी हैं जो यहाँ के नागरिक बोलते हैं। इसके अलावा जर्मन बोलने वाले भी लोग हैं, लेकिन जो यहाँ के सरकारी काम हैं, कंपनीज हैं, व्यापार हैं, उनमें फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि फ्रेंच भाषा यहाँ के स्कूलों में भी सिखाई जाती है, इसीलिए यहाँ जाने से पहले फ्रेंच सीखना जरूरी हो जाता है। हाँ, अगर आप टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। अगर कोई भारतीय लग्जमबर्ग में जाकर काम करना चाहता है तो उसे कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जैसे कि पहले आपको वहाँ एक नौकरी ढूंढनी होगी
वहाँ जाने से पहले आपके पास एक पक्की नौकरी होना जरूरी है, जो आमतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्रों में ज्यादा आसानी से मिल जाती है। इन नौकरी को आप चाहे तो ग्लासडोर, इंडीड और मॉन्स्टर जैसी वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आपके पास वर्क वीजा होना जरूरी है। भारत से लग्जमबर्ग काम के लिए जाने वालों को नौकरी और गारंटेड सैलरी और खास कौशल दिखाने की जरूरत होती है। बस एक पक्की नौकरी, गारंटेड सैलरी और एक वर्क वीजा, ये तीनों चीजें होने के बाद ही वहाँ पर पैसा कमाया जा सकता है। आज के समय में लगभग 8,000 से 10,000 के लगभग ऐसे भारतीय हैं जो लग्जमबर्ग में काम कर रहे हैं और एक बड़ी तनख्वाह पा रहे हैं। अब नौकरी की तो बात हो गई, आइए अब जानते हैं देश को और ज्यादा करीब से। तो ये है लग्जमबर्ग की राजधानी, लग्जमबर्ग सिटी। ये देश का सबसे बड़ा शहर है, जहां सभी मेन कंपनीज और ऑफिसेज मौजूद हैं। साथ ही साथ शहर में कई प्राचीन किले और महल भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। यहां पर अमीरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप यहां किसी व्यक्ति को पैदल चलता हुआ देखेंगे या फिर अपने जानवर को टहलाता हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक नॉर्मल सा व्यक्ति होगा, लेकिन असल में यहाँ पर रहने वाला हर इंसान करोड़पति होता है, जो बिल्कुल भी देखने से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो व्यक्ति एक करोड़पति इंसान भी हो सकता है। यहाँ के लोगों के पास ऐसी ऐसी कारें मौजूद हैं कि शायद ही कहीं और देखने को मिले। जब इन्हें कहीं जाना होता है तो ये अपनी कारों से ही सफर करते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं। इसी वजह से यहाँ की जो सरकार है उसने जितने भी जो यातायात के वाहन हैं उन्हें बिल्कुल फ्री कर रखा है साल 2020 से। बस में चढ़िए, आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं। ट्रैम में कहीं भी जाइए, एक भी पैसा नहीं लगेगा। इसके बावजूद भी ये बसें ज्यादातर खाली ही रहती हैं। लोग अपनी गाड़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा भी नहीं है ये बसें या ट्रैम कोई मामूली बसें हैं, बल्कि आपको यहाँ पर मर्सिडीज कंपनी, वॉल्वो जैसी कंपनीज की लग्जरी बसें देखने को मिलेंगी, जो देखने में काफी रंगीन और साफ सुथरी होती हैं। देश में करेंसी के रूप में यूरो चलता है, जो कि भारत के 90 रुपए के बराबर है। लग्जमबर्ग अपनी साफ सफाई के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सड़कें, इमारतें, यहाँ तक कि यहाँ की दुकानों और रेस्टोरेंट के पास भी आपको एक पन्नी तक देखने को नहीं मिलेगी। इतनी अच्छी सुविधा, फ्री सेवाएं और अच्छी जिंदगी के सारे स्तर यहाँ पर सही तरीके से पूरे किए जाते हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि लग्जमबर्ग में टैक्स रेट काफी ज्यादा है। यहाँ लोग जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं उतना ही टैक्स भी भरना पड़ता है। ये टैक्स निर्भर करता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में काम कर रहा है। नागरिकों से मिलने वाले टैक्स को यहाँ की सरकार अपने ही देश और नागरिकों के लिए इस्तेमाल करती है, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, इंटरनेट, सुरक्षा, कैमरे, साफ सफाई, यहाँ पर आप कुछ भी देख लीजिए, हर चीज एक नंबर की लगेगी। ये है लग्जमबर्ग का फेमस लैंडमार्क, जो कि राजधानी में मौजूद है। असल में ये एक कैथेड्रल है, जो शहर की पहचान भी है और एक ऐतिहासिक इमारत होने के साथ साथ धार्मिक स्थान भी है। इस कैथेड्रल का नाम नोट्रे डेम कैथेड्रल है, और पूरे यूरोप में आपको हर जगह इस तरह के कैथेड्रल देखने को मिलेंगे। इसका जो डिजाइन है, जो आर्किटेक्ट है, वो गॉथिक स्टाइल का है। इसे 1621 में बनाने की शुरुआत करी गई थी, और तब ये एक चर्च था। उस समय इसका नाम सेंट जॉर्ज चर्च रखा गया था। फिर काफी समय बाद यानी 1870 में इसे एक कैथेड्रल का दर्जा मिला। इस कैथेड्रल में बड़े बड़े पिलर्स देखने को मिलेंगे और बहुत ही सुंदर खिड़कियां, जो ग्लास की हैं, जो काफी लंबी हैं, और इन पर अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं, जो कि ईसाई धर्म के किस्सों से जुड़े हैं। ये खिड़कियां बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, जो कैथेड्रल की शान को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। ये जगह एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। ये है देश का सबसे प्रसिद्ध किला, जिसे वियापेन कैसल या फिर वेटे किला कहा जाता है। ये किला
लग्जमबर्ग का एक ऐतिहासिक और वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। मध्य युग की इमारतों में दिलचस्पी रखने वालों को ये जगह काफी पसंद आती है। वैटे किला जिस गांव में मौजूद है उसका नाम भी वैटे गांव है। लग्जमबर्ग से लगभग 350 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इस किले तक पहुंचा जा सकता है। इसे बनाने की शुरुआत हुई थी 11वीं शताब्दी में, जिसे समय समय पर और ज्यादा बड़ा और मजबूत किया गया। 13वीं और 14वीं शताब्दी में वैटे किले का रूप पूरी तरह से बदल चुका था और आज भी ये 13वीं और 14वीं शताब्दी की याद दिलाता है, जो काफी अच्छी हालत में है। इसकी दीवारें आज भी अच्छी हालत में दिखाई देती हैं। किले की दीवारें काफी ज्यादा ऊंची बनी हैं, जिससे दुश्मन इस पर हमला ना कर सकें। आज ये किला एक म्यूजियम है, जिसमें पिछली कई सदियों पुराने फर्नीचर रखे हैं। राजा का कमरा है, मूर्तियां हैं, पेंटिंग्स हैं और दूसरे तरह के साजो सामान हैं। जब देश में किसी बड़े घराने की शादी होती है या फिर राजघराने की शादी होती है, तो उस शादी के कुछ समारोह इस किले में भी किए जाते हैं। हर साल हजारों टूरिस्ट लग्जमबर्ग के इतिहास को इस किले में देखने के लिए पहुंचते हैं। देश का आधिकारिक नाम ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग है और इस नाम के पीछे एक कहानी जुड़ी है। यहाँ प्राचीन समय में एक राजा ने एक किले का निर्माण करवाया था और उस किले को लैक्सी बीन बोराक कहकर बुलाया गया, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा किला, और इसी से देश का फिर नाम पड़ा लग्जमबर्ग। शायद ये छोटा किला देश के क्षेत्रफल और मजबूती को दिखाता है। लग्जमबर्ग की आबादी का 75% हिस्सा ईसाई धर्म में यकीन रखता है। 5-10% आबादी मुस्लिमों की है, जबकि 2-4% में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बसे हैं। इसके अलावा बाकी बचे लोग यहाँ पर नास्तिक हैं, जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। हालांकि ये देश एरिया के लिहाज से छोटा है, लेकिन यहाँ की लगभग 20-25% जमीन पर केवल कृषि करी जाती है, जिस वजह से ये देश अपने लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज उगा लेता है। लग्जमबर्ग में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती होती है, जो कि सौर नदी के किनारे करी जाती है। अंगूर एक तो यहाँ फल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इन्हीं अंगूरों से फिर यहाँ पर बड़े पैमाने पर शराब बनाई जाती है, जो कि यूरोप के बाकी के देशों में फिर एक्सपोर्ट होती है। इसके अलावा गेहूं और जौ की फसल यहाँ मुख्य रूप से उगाई जाती है और इतनी मात्रा में उगाई जाती है कि देश में इसकी कमी न हो। आलू और डेयरी प्रोडक्ट के मामले में भी ये देश अपने लिए पर्याप्त मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट और आलू की पैदावार कर ही लेता है। शायद इसीलिए लग्जमबर्ग दूसरे देशों के मुकाबले अपने खाने की चीजें उगाने में किसी और देश पर निर्भर नहीं है। कृषि से जुड़े 15% लोग यहाँ पर गांव में ही रहते हैं। यहाँ के किसान बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से खेती करते हैं, जिससे इनका समय और मेहनत दोनों कम लगती है और फायदा ज्यादा होता है, पैदावार ज्यादा मिलती है। ये है ड्यूकल पैलेस। ये देश का एक ऐतिहासिक राजमहल है, जिसमें रेनेसांस आर्किटेक्ट की कला देखने को मिलती है। इस महल को 16वीं शताब्दी में चार्ल्स वुडविले ने बनवाया था। ये महल ना सिर्फ उनका घर था, बल्कि यहाँ पर उस समय देश की अदालत भी हुआ करती थी। राजा यहीं से फैसले सुनाते और लोगों को माफी या सजा भी देते। बाद में समय समय पर नए राजाओं ने महल का और विस्तार किया, इसीलिए आज महल में गौथिक, रेनेसांस और नियो क्लासिक वास्तुकला देखने को मिलती है। महल को आज भी कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब यहाँ किसी शाही परिवार की शादी होती है या फिर कोई बड़ा समारोह या आयोजन किया जाता है, तब इस महल को आम लोगों को अंदर से देखने के लिए मौका मिलता है। हजारों सैलानी हर साल इस किले को बाहर से देखते हैं, इसके आसपास फोटो लेते हैं, और अगर मौका मिलता है तो शाही महल के अंदर की सजावट, उसके कमरे और शाही सिंहासन को भी देखते हैं। लग्जमबर्ग के लोगों को जुद मेट गार्देबोनेन नाम का एक खाना बहुत ज्यादा पसंद है। ये एक मांसाहारी डिश है, जो पोर्क को लंबे समय तक भूनने के बाद तैयार करी जाती है। इसमें ढेर सारी ताजी बीन्स डालकर अच्छे से पकाया जाता है, साथ में आलू और चटनी के साथ फिर परोस दिया जाता है। ये डिश
यहाँ की नेशनल डिश भी है। ये खाना आमतौर पर आपको यहाँ के हर रेस्टोरेंट में देखने को मिलेगा। अब जब यहाँ भारतीयों की भी संख्या है तो जाहिर सी बात है कि इंडियन रेस्टोरेंट भी होंगे, लेकिन यहाँ भारतीय खाना काफी महंगा पड़ता है। केवल 6 गोलगप्पे 720 रुपए में मिलते हैं, यानी के एक गोलगप्पा 120 रुपए का। इसके अलावा यहाँ खाने पीने की चीजें काफी महंगी हैं। एक किलो संतरे का दाम यहाँ पर लगभग 270 रुपए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर खाने पीने की चीजें तो महंगी हैं, लेकिन यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम यूरोप के बाकी के देशों के मुकाबले थोड़े कम हैं, जबकि यहाँ के लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल और डीजल चाहे जितना भी महंगा हो जाए, ये लोग आसानी से उसे खरीद सकते हैं। यहाँ एक लीटर पेट्रोल लगभग 147 रुपए से लेकर 160 रुपए के बीच रहता है, जो कि दूसरे यूरोपीय देशों से कम कीमत है। लग्जमबर्ग दुनिया के उन चंद देशों में गिना जाता है जहाँ आज भी राजशाही कायम है। यहाँ आज भी राजा है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली भी है। यहाँ के राजा को ग्रैंड ड्यूक कहा जाता है, जो ग्रैंड ड्यूक पैलेस में रहते हैं। अभी के समय में यहाँ के राजा हेनरी हैं। ये कानून और संविधान को पालन करने की सुनिश्चितता को पूरा करते हैं, लेकिन देश में कानून और प्रशासनिक निर्णय प्रधानमंत्री ही लेते हैं। हालांकि राजा इन फैसलों में अपनी सलाह जरूर दे सकते हैं। ये है देश का एक और पुराना किला, या यूं कहें सबसे पुराना किला, जो कि 1000 साल पुराना है। इसका नाम है बोरशिट कैस्टल। ये किला राजधानी से 50 किलोमीटर दूर बोरशिट नाम के गांव में एक खास जगह पर बना हुआ है। यहाँ 1000 साल पहले बुरगादियन नाम के परिवार का शासन हुआ करता था, और उसी परिवार ने इस किले को 1000 साल पहले बनवाया था। किले से बस्ती को सुरक्षा देना, दुश्मनों पर नजर रखना इसका मुख्य काम था, क्योंकि ये किला यहाँ पर काफी ऊंची पहाड़ी पर है, तो यहाँ पर पूरे शहर पर नजर आसानी से बनाई जा सकती है। 14वीं शताब्दी में इसे और मजबूत बनाया गया ताकि यह रणनीति और युद्ध का केंद्र बन सके, और हुआ भी ऐसा ही। कई सालों तक किले से सैनिक शहर को सुरक्षित रखते रहे, लेकिन 17वीं शताब्दी में किले को काफी नुकसान हुआ और इसकी कई दीवारें और दरवाजे गिरा दिए गए। पर आज भी ये आधा अधूरा नष्ट हुआ किला प्राचीन इमारतों में रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। किले के अंदर एक म्यूजियम है जो यहाँ का इतिहास संरक्षित रखता है। अब आपके सामने है इस देश की सबसे सुंदर और प्राकृतिक जगह, जिसे जितनी बार देखें, जितनी बार महसूस करें, उतना ही कम है। यहाँ कुदरत की मेहरबानी और उसके बीच छोटे छोटे घर आपका दिल जीत लेंगे। ये जगह है मोसल, जो कि ठीक मोसल नदी के पास बनी है। ये जगह यूरोप की बेहद ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को दिखाने वाली सबसे खास जगहों में से एक है। एक बार तो लगने लगता है कि सीधा लग्जमबर्ग से निकलकर स्विट्जरलैंड ही पहुंच गए हों। इस जगह को इतनी ज्यादा हरियाली और उपजाऊ जमीन मिलती है यहाँ पर बहने वाली मोसल नदी से। ये नदी फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी से बहती हुई यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक बनती है, और फिर राइन नदी में जाकर मिल जाती है, जो बाद में उत्तर सागर में विलय होती है। ये नदी लगभग 500 किलोमीटर लंबी है। ये नदी लग्जमबर्ग में कृषि, पर्यटन और शराब के उत्पाद में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इस जगह हरी भरी पहाड़ियाँ, घुमावदार रास्ते और साफ सफाई इसे देखने योग्य जगह बनाती है। नदी के दोनों तरफ बड़े बड़े अंगूर के बाग फैले हैं, जहाँ शराब तैयार करी जाती है। सैलानी अक्सर इन शराब तैयार करने वाली जगहों पर अंगूर के बागों को देखने आते हैं, यहाँ की शराब चखते हैं और प्रकृति का आनंद उठाते हैं। इस मोसल नदी के बारे में हम इसीलिए इतनी बात कर रहे हैं क्योंकि ये नदी रोमन इतिहास में अपना प्रमुख योगदान रखती है। जब रोमन बस्तियों का विस्तार होना शुरू हुआ था, तब इसी नदी के किनारे सबसे पहले रोमन बस्तियों को बसाना शुरू किया गया था, किलों का निर्माण किया गया था, और रोमन साम्राज्य की नींव के कदम यहीं से शुरू किए गए थे। इस जगह पर दो सबसे प्रमुख गांव हैं, एक तो रेमिज और दूसरा एटलबर्ग। ये दोनों गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य, पैदल चलने के रास्तों
और अपने शराब प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, जहां एक तरफ आपको लग्जमबर्ग में पहले ही शांति, सफाई, ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं, तो ये जगह उन सभी बातों को और ज्यादा बढ़ा देती है। यहां आपको गाड़ियों की आवाज सुनाई नहीं देगी, लोग बहुत कम नजर आएंगे, और जो दिखाई देगा वो है मन की शांति को गहराई तक छू लेने वाला प्राकृतिक सौंदर्य। अगर आप कभी इस शानदार देश के सफर पर निकलें, तो इस जगह को जरूर देखें। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला देश। अगर आपको हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।